सत श्रीकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। सेहत मामलों नूं लैके अज एक बार फिर असी हाजिर होए हाँ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अमर सिंह आजाद होना कोले ते गलबात करांगे समाजिक सेहत अते रिश्ते ते नाल नाल गुस्सा। गुस्सा किस तरह शरीरिक सेहत ते समाज की सेहत नूं खराब करता है, क्यों गुस्सा आउंदा है, किस तरीके दे नाल गुस्सा शरीर नूं खराब करता है, समाज के रिश्तों खराब करता है, किहड़े शरीर दे विच किद्दां दे बदलाव आउंदे ने जिहदे नाल गुस्सा शरीर दे उत्ते अंदर हावी हो जाता है ते बंदा जिहड़ा कतल करन तक चला जाता, अपनी जान आप लै लैंदा है। कि इस नूं कंट्रोल करन दे, आपूं कंट्रोल करन दे कोई हो है तरीके हैगे ने, किवें रिश्ते जिहड़े ने उह तार तार हो रहे ने इक छोटे जिहे गुस्से कारण। डॉक्टर साहब, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज़ एशिया दे सारे श्रोतियां नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, विशा थोड़ा जा हट के है आम नालों, लेकिन जुड़ा सेहत दे नाल ही होया, क्योंकि गुस्सा जिहड़ा वह अपना भी दुश्मन है, समाज का भी दुश्मन है, हर एक चीज़ का दुश्मन है, तो रिश्ते खा रहा है, शरीर खा रहा है, तो समाज जिहड़ा वह टुट रहा है गुस्से कारण, चाहे उसके पिछे कोई कारण हो, कसूर किसी का भी हो, लेकिन गुस्सा जिहड़ा वह जिहड़ा ना सिर्फ अपना ब्लड प्रैशर बढ़ाउंदा है बल्कि जिहदे नाल गुस्सा किया जाता है ओहदा ब्लड प्रैशर भी वधदा, यानी कि दूजे की सेहत के उत्ते भी इहदा असर हुंदा। एक इहो जिही चीज़ है जिहड़ी कि अपने शरीर के अंदर चेंज आउण दे नाल नाल दूजे की सेहत पर भी फर्क पाउंदी है। की कहना चाहूंगा कुलवंत जी? देखो, वधिया विशा तुहाडा वधिया सवाल कर रहा तुसीं। गुस्सा जिहड़ा है इह कोई मकसद इहदा कोई इहदे नाल कुछ हल नहीं हुंदा, ते समस्यावां बहुत खड़ियां हुंदियां ने, वो आपसी समाजिक समस्यावें खड़ियां हुंदियां ने, समाजिक समस्यावां तो लैके देशों की लड़ाई तक गुस्से का रोल है कितने ना कितने। हुण गुस्से की असल च जड़ कित्थे है? वो जड़ जिहड़ी कितने ना कितने पई है कि जो मैं जिहड़ी है मैं की हाँ, जिन्हें भी साढ़े पुराने ऋषि मुनि गुरु ने वो इस गल का जवाब देंदे रहे कि मैं कौन हाँ। असल इस गल का अगर सही जवाब बंदे को हो जाए कि मैं कौन हाँ, तो कभी गुस्सा तुहानू आएगा ही नहीं। हुण मैं कौन हाँ दी आपां अगे भी बहुत बड़ी गल कर चुके हैं कि जिहड़ा मैं हाँ वो कोई वक्री हस्ती नहीं है, वो मैं एक समाज का हिस्सा, मैं पहला परिवार का हिस्सा, फिर मैं एक समाज का हिस्सा, फिर मैं एक सूबे का हिस्सा, फिर मैं एक देश का हिस्सा, फिर मैं एशिया का हिस्सा, फिर मैं दुनिया की कुल मनुखता का हिस्सा, फिर मैं पूरे आसे पासे पसरी कुदरत का हिस्सा, तो कुदरत के हिस्से के नाल फिर मैं सूरज परिवार का जिहड़ा साडा सारा हैगा, असीं धरतियां ने साडियां 8-9 ते उहदा हिस्सा, तो फिर मैं ब्रह्मंड का हिस्सा। अज विज्ञान ने सिद्ध करता कि जिहड़ा साडा मन है, जिहड़ा साडा मन है उस की है, आपां सिंपल शब्दां च कहीए तां मनुखी शरीर ब्रह्मंड दे शरीर दा हिस्सा, मनुखी मन ब्रह्मंड दे मन दा हिस्सा, ते मनुखी चेतना ब्रह्मंडी चेतना दा कॉस्मिक अवेयरनैस, जो ब्रह्मंड सो ही पिंड। बिल्कुल बिल्कुल, सो उही वननैस आपां अगे वी गल कीती सी एक वीडियो च, अद्वैत, दो नहीं दा मतलब की है कि जो कुछ भी दिस रहा सारा कुछ वो इको कुछ ही है, तो हुण तां विज्ञान ने इत्थों तक कहता कि पूरा एक इकाई के तौर पर काम करता है, एक वर्डर काम नहीं करता। तो जदों मैनूं ये समझ आ गई कि पूरे की पूरी जिहड़ी कॉस्मिक चेतना है, तो कॉस्मिक माइंड है जां कॉस्मिक बॉडी है, मेरी चेतना, मेरा मन, तो मेरा शरीर उसदा दा ही हिस्सा है। जिहनूं थले थोड़ा जिहा थले आ जाइए तो कुदरत नाल ला लो तुसीं, कि कुदरत दा जिहड़ा कुदरत साडी धरती ते विसरी हुई है, वो कुदरत उस कॉस्मस दी दा एक हिस्सा है, तो ये पूरे का पूरा कितने ना कितने वीनस असी वो असी जिहड़ा है कितने ना कितने सानू जे असी इन्ने वड्डे पद्धर ते ना भी लैना होवे तां असी समाज के पद्धर ते जगह आ जाइए, तो परिवार च फिर आ जाइए आपां। तां तुसीं सोच के देखो भी जे बंदा कल्ला ही होवे परिवार च तो उहदी की जिंदगी जी की जीवन हुंदा, जे बंदा कहे मैं पिंड च कल्ला ही हाँ होर कोई है ही नहीं तां पिंड कहांगे आपां नूं, ना तां कल्ले बंदे दे परिवार नूं परिवार कहा जा सकदा, ना कल्ले बंदे दे पिंड नूं पिंड कहा जा सकदा, तो कल्ले दा कोई मतलब नहीं हुंदा, मतलब संभव नहीं है। ये जिहड़ा मनुख है वो एक समाजिक प्राणी है, मनुखी क्यों, मनुख तो जो पिछले जीव से वो भी समाजिक प्राणी से, तुसीं देख लो कीड़ियां तो लैके बंदरां तक, कभी बंदर तुहानूं कल्ला नहीं, कल्ला तो कल्ला नहीं मिलेगा, कितें भटके तो भावें इधर उधर घर होवे, तुसीं जंगल च जाके देखो जिथे नेचुरल हैबिटेट है बंदरां दा, वो पूरी फौज की फौज हुंदी है,
उस तो लैके कीड़िया तक, तो कीड़िया तुरते देखोगे किमें तुरदिया ने, जांदियां ने लाइन बना के पूरी अगे जांदियां ने, फिर एक दूसरे को मैसेज दिंदियां जांदियां ने, फिर दसदियां जांदियां ने। सो कल्ले जीव की कोई हस्ती नहीं है, वो साड़ी साड़ी जिन्हों कहते मंद मंद मंदभागी जी सा है कि मनुख मनुख न परमात्मा ने कॉस्मिक चेतना ने एक इंडिपेंडेंस बख्शी है, आज़ादी दिती है कि तू जिदा मर्जी सोच। एक आज़ादी किसी होर मनुख होर जीव में नहीं हैगी, सिर्फ मनुख को आज़ादी है यह सोचने की कि तेरा जी करता तो तू तू यह सोच लिया भी मैं तो सब तो उपरा, तेरा जी करता तो तू सारे कॉस्मोस का हिस्सा बन के रह लिया, तेरी आज़ादी है। ये आज़ादी मनुख को देनी बहुत जरूरी सी, क्योंकि मनुख फिर बाकी जी बाकी जीवन नालों वक्खरा किवें हुंदा, मनुख वक्खरा ना बिल्कुल ही। तो मनुख की आज़ादी मनुख नूं परमात्मा ने कुदरत ने क्रिएट करते 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 बहुत अपने नेड़े लिया शरीरक रूप से। परमात्मा तो इनविजिबल है, लेकिन परमात्मा का ही एक रूप मनुख है जिन्होंने लगभग लगभग वह सारे गुण देते जिहड़े परमात्मा कोल ने। उन्हें परमात्मा ने परफेक्शन करने की कोशिश की है। तो जीवन पाओगे कि कीड़े मकौड़िया तो लैके बंदर तक जां चंपैंजी तक उन्होंने काफ़ी काफ़ी फर्क है। फिर बंद मनुख जाके बहुत ड्रास्टिक छलांग लगाई, साढ़े साडा सोच शक्ति है, साड़ी बुद्धि है, साड़ा मन है, साढ़े साडा एक समाजिक रिश्ता है, साढ़े अंदर प्यार भावनावान ने। वो हालांकि भावनावान लंगर च भी जानवरों भी है, लेकिन उस पद्धर दी नहीं है। फिर असं उस सारा मनु जो समाज मनुख का पूरा पूरा जो एवोल्यूशन हुई, मनुख का विकास होया, तो फिर मनुख के समाज का विकास होया। ये कि ना कि पहुँचते पहुँचते अं जिते पहुँच चुके हैं, उत्थे असी अपनी मैं वखरा कर लिया। असी सोचन लग गए कि मैं जिहड़ी है वह कुछ वक्री जी चीज़ है, तो मैं कोई वक्रा जहाँ, तो मेरे आले दुआले हर चीज़ घूमे, मेरी बीवी भी मेरे आले दुआले घूमे, मेरे बच्चे भी मेरे आले दुआले घूमन, मेरे माँ बाप भी मेरे आले, मेरे मेरा परिवार सारा मेरे आले दुआले घूमे, मेरा पिंड भी मैनू सुपर समझे। तो ये जो कि वर्तारा ना, उस इंडिपेंडेंस में असी मिस यूज़ किया, ज कह लो कि असी फुलिशली बेवकूफाना ढंग नाल असी उन्हों गलत गलत ढंग नाल उस आज़ादी का जिहड़ा जिहड़ा उहदा मतलब कढ रहे हैं। आज़ादी परमात्मा ने दित्ती है, वो किसी मकसद लिए दित्ती है कि असी उन्हों होर प्रफुल्लित करिए, वो सारी जिहड़ी वननेस है उन्हों समझण ते समझाउण च प्रफुल्लित करिए, ते समाज नूं बहुत सोहणा बनाइए, तां कि समाज कल्ले कल्ले व्यक्ति लई नहीं बाकी सारे जीव जंतुआं लई भी बहुत ही वधिया इक घर बन जाए। तो यह संभव है, कुदरत दे विच इन्ने साधन ने कि जे मनुख ठीक राह पै जाए, वीनस ते आ जाए, तो अज कोई घाट ही नहीं है धरती के उपर, कोई घाट नहीं। कीड़े मकौड़िया तो लैके असी ऐसा 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 सिस्टम बना सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी वधिया जीवणगे, असी अपनी जिंदगी वधिया जीवांगे, फिर एक दूजे नाल रिश्ता जिहनूं कहिंदे आ सह होंद है, सह होंद पहलां कुदरत दे विच आपसी सह होंद है, फिर समाज च। तो इस गल नूं मेरे ख्याल समझण दी जिहड़ी नाकामी है, वो जो कितना कितने गुस्सा निकलता, तो फिर गुस्से जो भयंकर सिट्टे निकलते हैं। हूँ डॉक्टर साहब, ये तो होगी अपनी जी मतलब किदा समाज जोड़ा वो जुड़ा हुआ ब्रह्मांड के नाल जुड़ा हुआ शरीर जोड़ा किस तरीके अपन समाज में जी की देन हैगी अपनी की समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन ने, तो किस तरह गुस्सा जोड़ा वो समाजिक रिश्ते तोड़ता है। हूँ आइए, जदों गुस्सा किसी भी बंदे इंसान को गुस्सा आता तो शरीर के कितने की बदलाव आता जो कि बंदा जो हाइपर हो जाता, वो मसला तो फिर उत्थे आके अड़ जाना ना, कि जो बंदा जिस फर्सोपोज परिवार चो तुसी परिवार नाल किस रिश्ते च बन्ने हुए हो उहदे उपर निर्भर करेगा थोड़ी सेहत। क्योंकि जे तुसी उस जो कुदरत ने क्रिएट किया जिदा जे कुदरत ने जो सारा कुछ बनाया वो इदा बनाया होया कि वह रिश्ते जो तुम उन्होंने रिश्तों रहोगे, क्योंकि कुदरत ने की बनाया, तुम सारी सारी कुदरत देखो, कुदरत हर चीज़ तुम प्यार के बंधन बनी हुई मिलेगी। तुम कुदरत कभी क्यूटली देख के देखियो, कुदरत अंदर कोई कंपीटिशन नहीं है, कंपीटिशन नहीं है आपस, कोई 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 मारामारी नहीं है, कोऑपरेशन है, आपसी सहयोग है, सहहोंद ते सहयोग। सहहोंद कुदरती है, सहयोग चेतन है कि असी सानू पता है कि सहहोंद सह साडी, मैं अपने परिवार नाल जुड़िया होया, तो सहयोग मैं चेतन तौर पर करदा कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखदा, मैं उन्होंने लिए काम करदा, मैं उन्होंने मेहनत करदा, मैं उन्होंने कुरबानी करदा, तो वह करदा। इस अगे इन फिर अगर पिंड के लैवल पर लै लो, फिर समाज के लैवल पर लै लो, फिर कंट्री के लैवल, फिर मनुखता के लैवल पर लै जाओ। तो जो रिश्ते ने
यानी जिहड़ा कि कुदरत ने क्रिएट किए हैं वह किए हैं आपसी सहयोग सह होंद फिर सहयोग फिर आप एक दूसरे नाल हैल्प करनी हैल्पिंग एटीट्यूड फिर कंपैशन अंग्रेजी के लफ्ज बड़े प्यारे ने कंपैशन कंपैशन का मतलब होंगे कि तुसी बंदे नूं बंदे दा दुख महसूस करते हो बंदे बंदे दा दुख जिहड़ा मतलब तुसी मान लो भुखा है बंदा तो दो चीज़ां ने एक तो इग्नोर मारोगे जो तुसी मैं नस चो थोड़े सामने एक बंदा भुखा बैठा है जो कह रहा मैं भुख लगी है बहुत जो कह रहा मैं प्यास लगी है बहुत वो चल फिर नहीं सकता तो एक तरीका तो है भी तुम उन्होंने इग्नोर मारोगे जो नफरत की नैगेटिव ने देखोगे भी ऐसा निकम्मा बंदा है या निखिद है ये है वो है एक है तरस करोगे तरस करके हो सकता उन्होंने पानी पिया भी दो जो तरस भी करो तो फिर भी गाँव लग जाओ भी अपना मैं तो बिजी हाँ आपे होर पिया देगा एक है कि तुम कंपैशन की भावना है कि तुम महसूस करोगे कि वह कितना महसूस कर रहा उदा ही महसूस करोगे जो उन्होंने प्यास जो कह रहा मैं प्यास लगी है तो थानू भी लगेगी जब मैं प्यास लगी हो फिर तुम कभी उन्होंने अगे नहीं जा सकोगे तुम उन्होंने पानी पिया के जाओगे जो भुखा है तो फिर उन्होंने खाना खवाओगे जिमें मर्जी करो जो कोई दुखी है रो रहा है कोई पेन पीड़ा चाहे सट इंजर्ड है सपोज कोई इंजर्ड मिल गया तुम वो हैल्प करोगे लेकिन जे तुम सिर्फ तरस के लैवल से लैवल पर रहे तो फिर उस तरह ना करो तरस जहाँ आया थोड़ा थोड़ा जहा तरस फिर तो अगे लंघ गए तो बहुत बहुत तुम देखोगे लोग कि तरस तो उपर नहीं जाते या तो इग्नोर मारते हैं बॉदरी नहीं करते तरस करते हैं बस तरस चो निकलता फिर थोड़ा थोड़ा बहुत दान करता ये करता वो करता लेकिन कंपैशन के लैवल से नहीं आते लेकिन कुदरत अंदर की है कुदरत अंदर ने तो कंपैशन पैदा किया कुदरत कोई कोई जीव देख लो वो एक दूजे प्रति इन्ना क्लोजली रिलेटड है और लव रिलेशनशिप से रिलेटड है कि वह दूसरे लिए कम करता लव का मतलब होंगे कि दूसरे लिए सैक्रीफाइस करते हो कंपैशन के भी सुख कोई खास सैक्रीफाइस नहीं करते लेकिन लव के तो लोग अपनी जान तक खेड जाते हैं सपोज बच्चा डुब रहा थोड़ा बच्चा नहर च गिर गया तो माँ या बाप वो पिछले छाल मार देगा वो इस गल की परवाह नहीं करेगा कि मैं भी डुब जूँगा वो है लव तो कुदरत सारी जी लव के रिश्ते प्यार रिश्ते बजी हुई है तुम देखो दरख्तों देख लो दरख्त की करते हैं दरख्त अंब न हजार अंब लगते हैं अंब न आप थोड़ा अंब चाहिए हैं अंब न तो अपना अपना पीढ़ी अगे बधाने लिए एक अंब चाहिए तो एक अंब तो अगे अगे दूजा पौधा बन जाएगा जो आप बायोलॉजिकल भी लीए लेकिन हजारों लंबा लगते हैं लखा अंब लगते हैं एक एक पेड़ वो क्यों लगते हैं क्योंकि कुदरत आपस वो लव रिलेशनशिप है कि इन अंबा कोई खावे तो वह यदा फैलाव बिठावे वो इनबिल्ट है कोई अंब सोचता नहीं है सोचने की लड़ नहीं होती लॉ ने कुदरत एक नियम बने हुए और नियम ही इदा बने हुए हैं कि वो रिश्ता जोड़ा वो तंदा बनी हुई ये तंदा अपनी जी कॉसमस की गल की उत्थे भी देखो तुसी पूरे आकाश के अंदर करोड़ों करोड़ गलैक्सियां ने करोड़ों करोड़ तारे ने वो कहदे सिर ते खड़े हैं उन्होंने किसी ने बाइंड कर रखे ना वो बाइंड किने किया हो कोई वो अंदर अंदर लॉज ने वो नेचर है उन्हें एक रिश्ता बनया हुआ वो रिश्ते जो लॉज ने जो कॉसमस है जो कॉसमिक ऊर्जा है वो उन्होंने पार्ट ओन करती है उन्होंने लव करती है लव एक साडा लफ्ज क्रिएट किया हुआ लेकिन एक्चुअली लव तो भी गहरी स्थिति है जिन्होंने वननेस कहने आप अद्वैत कहने वो है ही एक है कौन किनू लव करेगा जो सारा कुछ है ही एक है तो सो इस करके जो ये समस्या जी है वो कितना कितने जी फीलिंग्स हैं रिश्ता है जो कुदरत ने क्रिएट किया परमात्मा ने क्रिएट किया आप कह लो कॉसमिक चेतना ने क्रिएट किया वो सारा लव तो भी गहरा आप गल कर रहे ना कि कंपैशन तो फिर लव लव दे फिर भी एक दो रह जाते हैं कि लव करने वाला है तो जिन्होंने लव कर रहे थे वो है लेकिन उस तो गहरा रिश्ता असली वो है वननेस का कि दो है ही नहीं तो फिर प्यार तो भी एक गहरा रिश्ता है कि जो मैं मेरे सामने कोई 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 प्यासा है कोई भुखा है तो मैं लव रिलेशनशिप एटलीस्ट उस तरह ना उस तो एक पीढ़ी फिर भी थले हो एक स्टैप फिर भी थले हो लेकिन जो तुम नफरत करते हो वो बहुत ही दूर चले गए सो जिन्ना तुम कुदरत इस नेचर लॉ तो दूर जाओगे उन्ना ही थोड़े अंदर वो चेंजेस आनगियां जो तुम सवाल किया फिजिकली की किमें हार्म करता सो गुस्सा उसका एक्सट्रीम है वननेस की स्थिति जी कि सारा कुछ है इको है मैं गुस्सा किता कि करना तो दूजा गुस्सा जोड़ा वो बिल्कुल एक्सट्रीम है जो तो दूसरे बंद हिट करते हो या हर्ट करते हो मैंटली हर्ट करते हो या फिजिकली हर्ट करते हो तो वह दूजी एक्सट्रीम है यदा मतलब नेचुरल लॉ की
एक्सट्रीम वायलेंस कर वायलेशन कर रहे हो, बिल्कुल वो धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो गुस्सा करके किसी बंदे नीचा दिखा रहे हो, किसी बंदे इंजर कर रहे हो, किसी का सिर पाड़ रहे हो, या किसी को सट मार रहे हो, तो तुम तो वह की होएगा कि कुदरत के नियम वायलेट करते हैं। जो तुम कुछ कुदरत के नियम वायलेट करोगे वो खिलाफ जाओगे तो थोड़े अंदर वो हारमोन पैदा होंगे जो नुकसान करेंगे। उस कुदरत अंदर एक सिस्टम है, जो तुम कुदरत के नियमों के नेड़े रहोगे, प्यार की स्थिति रहोगे, कंपैशन की स्थिति रहोगे, वनस की स्थिति रहोगे, तो थोड़े अंदर पॉजिटिव हारमोनस क्रिएट होंगे जो थानू सेहतमंद रखेंगे। थोड़ा कोई किसी दवाई की लड़ नहीं, किसी की लड़ नहीं। जो तुम जिस बंद ने आप कहते पुराने जमाने ऋषि जो ऋषि जे मुनि से 500 साल जिंदते थे, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि वननेस की स्थिति सी, उन्हें इन्नी पॉजिटिवली पॉजिटिव हारमोन या पॉजिटिव कैमिकल क्रिएट होंगे, उन्होंने मरण की लड़ ही नहीं पैंती, बॉडी बॉडी एज करती नहीं उन्होंने। अब जो गुस्से होंगे तो लैके लैसी बिल्कुल एक्सट्रीम नैगेटिव होगी, तो तुम बहुत तेजी एज करोगे, बुढ़ापे वाल जाओगे, डीजनरेट करोगे, थोड़े डैमेज होंगे सारे सिस्टम, और फिर तुम जल्दी मरोंगे, वो बीमारियां वो प्रोसैस बीमारियां भी लगन गया। तो इस करके जिन्नी जिन्ना नेचर के ला तो दूर जाओगे, जिन्ना वायलेट करोगे, उन्ने थोड़े नैगेटिव हारमोनस बनने, स्ट्रैस हारमोनस बनने, स्ट्रैस हारमोनस भी कह दें आप, वो बनने वो थानू बीमार भी करे, तो थोड़ी उम्र भी घटाएंगे। डॉक्टर साहब, समाजिक रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, तुम भी बहुत ज़्यादा विस्तार दसाया है, तो समाजिक रिश्तों का बना तुम भी दसता कि समा जे दो बंदे भी एटलीस्ट है ता ही परिवार है, अदरवाइज परिवार ही नहीं है, इकला बंदा कोई परिवार नहीं हो सकता। किस तरीके दे नाल जिहड़ा ये समाजिक रिश्ते जिहड़े ने वह टुट रहे हैं, किस तरीके दे नाल समाज जिहड़ा वो कि चीज़ है जिहड़ी समाज नूं वध जिहड़ी नुकसान पहुँचा रही। कुलवंत जी, देखो अज तो 60-70 साल पहला जदों ये कैपीटलिज्म ज़्यादा डिवेलप नहीं होया तो उदों जिहड़ा साडा समाज सीगा वह एक रवायतों पर खड़ा सीगा, साड़ी एक रवायतें बनी हुई जिहड़े असीं बजुर्गों तो सीखते सी कि अगे अगे चल जांदियां सीगियां, ते समाज के अंदर किसी किस्म का कोई फिजिकल चीज़ों की बहुत ही लालच नहीं सीगी। मैं अपने अखां नाल सारा कुछ देखिया होया है, बच्चे होंदे ने कि बंदा जा रहा तो वह गन्ने का गड्डा भरी जा रहा, तो बच्चा तो गन्ना मंग रहा तो गन्ना दे रहा आराम नाल, गन्ने वंडी जा रहा। कणक जो गड्ढे भर के खेत आँदी होंगी सी तो बच्चे कट्ठे हो जाते होंगे गली दे, सानू रिड़ी कहते रिड़ी रिड़ी वो झोली झग्गे पा देंगे झोली करते थे रिड़ी, वो की करता सी मुठ्ठी मुठ्ठी बुक बुक उन्हें झोली च पाता सी, वो जाके बच्चे दुकान पर दे के कणक तो टॉफियां गोलियां कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो वो की सगा कि जो चीज़ा जगिया वो चीज़ा सैकेंडरी सगिया, समाज प्राइमरी सगा। अज की होया कि चीज़ा प्राइमरी बन गई, समाज सैकेंडरी चला गया, रिश्ते सैकेंडरी चले गए। हम तुम पाओगे घर अंदर लड़ाइया कड़ी गलत ने, किसी कोठी लैन तो, किसी कार लैन तो, इन्हें कपड़े वधिया को ले ले, इन्हें माड़े को ले ले, इन्हें खाना मेरे ना ज़्यादा अच्छा क्यों खा लिया, उन्हें माड़ा, तो सारिया चीज़ा जी ने असं उन्होंने रिश्ते चीज़ा प्रमुख करता, तो मनुख रिश्ते मनुखी रिश्ते थले चले गए। वो किने किया कि जो इस पुराना सिस्टम टुटिया तो उन्होंने तोड़न लिए जिस किस्म देंजस कि गई वे सारा सिस्टम आया। कहते टी वी सारिया एड्स देख लो, सारिया वो जिन्होंने कहते कंज्यूमरिज्म कहें अंग्रेजी, कि कंज्यूम कर लो वो तो वह खुशी देगा। जो तो एक बार ये आता तो एक बार हेरी आँदी है, वो सारा 60 साल हो गए सू 50-60 साल, तो हूँ वह डिकलाइन शुरू हो गया, क्योंकि एक मनुखी चेतना जी होंगी थोड़ी स्लो डिवेलप करती है। 50-60 साल लोगों ने एक नेरी लाई रखी, तो कितने कितने अजे भी वह असर हैगा, ये नहीं भी खत्म हो गई, लेकिन वह डिकलाइन जिन्हों के डाउनफॉल शुरू हो चुके हैं, कि हूँ लोग समझ लग गए हैं कि असल जो खुशी दिता है वह मनुखी रिश्ते या कुदरत नाल रिश्ता या परमात्मा नाल रिश्ता, तीन लैवल का रिश्ता साडा, आपस रिश्ता साडा चाहे परिवार का चाहे समाज का, फिर कुदरत नाल साडा रिश्ता, फिर साडा परमात्मा नाल रिश्ता। विज्ञान ने भी उन्होंने कहता किसी टाइम तो विज्ञान में यह कही जाते भी विज्ञान तो रब के खिलाफ है, अज विज्ञान ने बड़े क्लीयरली प्रूव करता कि अल्टीमेटली सुप्रीम जड़ा है वो क्वांटम फील्ड कहता उन्होंने, वो कॉस्मिक ऊर्जा है या कॉस्मिक चेतना है वो उन्होंने परमात्मा कह लो जो मर्जी ना दे लो, वो अधीन है सारा कुछ, अधीन भी नहीं कहना चाहिए वननेस है, अधीन लफ्ज फिर मतलब भाषा की बड़ी प्रॉब्लम होंगी है कि अधीन भी लफ्ज फिर अधीन नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं है, असल वह रूप है। तो उस कॉस्मिक चेतना तो पहला सूरज पैदा होए, सूरज के नाल धरतियां पैदा हुई, धरतियां की कुदरत पैदा हुई, वह पैदा होंदे 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 मनुख तक आ गया गल, तो उस से ही अलग अलग रूप ने
जे आप कही हूँ एक कई 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 कहते बंद डिप्रैशन है मैं उन्होंने की फीलिंग आती है कि मैं तो कुछ भी नहीं मैं तो निखेदा मैं तो माड़ा बहुत मैं किसी काम का नहीं हाँ मैं किसी इदा की फीलिंग आती है कोई दूजे बंद बहुत घमंड आ जाता भी मैं ही हाँ सब कुछ असल रियलिटी की है रियलिटी यह है कि तुसी कुछ भी नहीं वाली गल भी ठीक है क्योंकि तुसी सारे कॉस्मिक रियलिटी के मुकाबले जो तुसी अपने आप बहुत सुप्रीम कह रहे हो तो तुसी गलत हो तुसी अड नहीं हो तुसी उहदा छोटा जिहा कण हो लेकिन कण क्योंकि तुसी उहदे वर्गे हो तुसी बहुत अच्छे बहुत ग्रेट हो क्योंकि तुसी खुद परमात्मा हो तो इस करके दोनों का बैलेंस करना कितने जिहड़े कितने कितने बेहद जरूरी है कि जिहड़ा जिहड़ा समाजिक रिश्तों के अंदर जदों टेढ़ां आउंदियां ने तां उस गल नूं याद रखना बहुत जरूरी है कि असी पहली गल तां परमात्मा का एक छोटा जिहा कण फिर परमात्मा ने नेचर क्रिएट की नेचर का एक कण फिर जो समाज खड़ा होया उस समाज का एक हिस्सा असी वो समाज साढ़े नाल वड्डा क्योंकि बहुत सारे मनुख ने उस मेरे नाल वड्डा मेरा परिवार मेरे नाल वड्डा मैं उहदा हिस्सा तो जदों असी इदां चलांगे तां उह किते ना किते इह गल जिहड़ी आ उह फिर नहीं टुटेगी अज बंदे ने मतलब उस चीज़ां दी होड़ दे विच असी ऐसी जिंदगी खड़ी कर ली है कि तड़ा तड़ अपना अपने कंट्री छड़ के लोग कनेडा अमरीका नूं भज्जी जा रहे हैं वो कहदी की दौड़ है उत्थे जाके की करदे आ चार डॉलर वध कमा लैंदे ना जिंदगी फिर उहदी उहो जी आ आपां जिन्हां लोकां ने उत्थे जाके देखिया मैं तो कनेडा भी देखिया अमरीका भी देखिया सारा देखिया तां उह उहदे च है की है अल्टीमेटली कदे वांगू काम करदे आ बस चार चीज़ां ज़्यादा ज़्यादा ने उहनां कोल होर तो कुछ नहीं है ना इतने चार चीज़ें घट्ट मिल जाएगी उत्थे चार चीज़ें वध होणगियां बस इन्ना ही फर्क है लेकिन उत्थे जाके तुसीं वो हैप्पीनैस खुश तो है वो भी नहीं है जज नो हैप्पीनैस खुशी उत्थे भी नहीं है खुशी कित्थों मिलनी है खुशी मिलनी है जे तुसीं उस स्थिति चो उस चेतना चो कि तुसीं कॉस्मिक चेतना दे कुदरत दे समाज दे परिवार दे एक अंग हो जदों असीं इत्थे आ जाएंगे आपां तां फिर इह टुटणगे नहीं फिर होर मजबूत होणगे सगों उल्टा अज लोड़ है कि जिहड़े इस जिहड़ी सरमायेदारी युग की जिहड़ी चेतना है जिन्हें सानू खेरू खेरू करता है साडे समाज नू और जान बुझ के भी तोड़िया गया यह नहीं भी अपने आप खेरू खेरू हुई है कल्ले कंज्यूमरिज्म ने की है इनू नोइंगली जान बुझ के खेरू खेरू किया गया क्यों क्योंकि वो अंदर लुट सुट बहुत ज़्यादा वो अंदर मनुखी किरत की लुट है कि तुसी जो जिहड़ी किरत करदे हो उहदा एक हिस्सा चुप चुपीते थोड़े ये जिहड़े ने बड़ी बड़ी कंपनियों वाले सरमायेदार लोग लै जांदे आ जो जदों तुहानू पता लगेगा कि तुहाडी तां किरत की लुट हो रही है तां तुसी फिर जे समाज इकट्ठा क्योंकि सारी ब्रिटिश पीरियड की जी सारी हिस्टरी है वो एक कहती है कि ब्रिटिश पीरियड जो वो लोग स्टडी करना है जो कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बंदे भेजे इत्थे और उन्होंने जाके रिपोर्ट किया कि तुम हिंदुस्तान के समाज में गुलाम नहीं कर सकोगे क्यों क्योंकि समाजिक रिश्ते इन्ने स्ट्रोंग सके कि उन्होंने समाज में तोड़ना बहुत औखा है फिर उन्हें सिस्टमैटिकली तोड़िया उस समाज में कित धर्म के नाते लड़ाया कितने वह कुछ सिस्टम डिस्ट्रॉय किया कि वो जी 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 धर्म की कड़ी सी अपने सो कॉल्ड साइंस के नाल लिया के इनफीरियर सिद्ध करने की कोशिश की साइंस सुप्रीम होंगी है धर्म तो एवं ही होंगे हाँ बिल्कुल यूनिवर्सिटियां छाड़ गई ना गुरुद्वारे अंदर कैद पढ़ाई होंगी सी सारी गुरुद्वारे मंदिर पढ़ाई होंगी सी उत्थे लिया के कैदे साड़न की मुहिम चली हाँ सारे रूटीन यही सी ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲ ਆ ਗਏ ਆ ਅੜੀ ਮਾਡਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਡੋ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਾਇੰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗਜ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲੀ ਬੋਗਸ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿ 1% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ
मनुखी जिहड़ी जिहड़ी मनुखी सरमाया है वह मनुखी किरत तों पैदा हुंदा जां कुदरत दे साधनां तों पैदा हुंदा ते किरत तों पैदा किते हुए सरमाए नूं कुछ लोकां ने जफ्फा मार लिया ते उहदे सिर ते फिर उहदी किरत दी होर लुट करन लग गए। उहने इह जिहड़ा 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 इह कुचक्कर है कि तुहाडा ही सरमाया तुहाडा ही पैसा वो इकट्ठा कर लिया बैंकां 'च फिर तुहानूं ही वो ब्याज ते दे जांदे आ फिर तुहाडी लुट करी जांदे आ हुण तुसीं ब्याज ते कर लै लो ब्याज ते कर लै लो तुहाडी जेब 'च हत्थ पा लिया उन्होंने भी हर हर रोज़ तुसीं जे 8 घंटे काम करदे हो तो 2 घंटे की जिहड़ी मजदूरी आ उह सिद्धी उन्हां कोल पहुँच गई। तो इस नूं रोकण वास्ते उन्हें समाज में खेरू खोरू करना बहुत जरूरी है अज भी कर रहे हैं कोशिश हो अज इस तों बचण की लोड़ है कि समाज में एक समाजिक एका भाईचारा आपसी जिहड़ा जिहड़ी जिहड़ी सहयोग की भावना एक दूजे नूं हैल्प करन की भावना एके की भावना इन्हां भावनावां की लोड़ है ना कि समाजिक दूरी की जी जी जिस किस्म भावना अज पारू ने और बड़ी खुशी की गल है कि जी है ये वर्तारा दिस रहा हूँ कि लोग इस गल तो चेतन हो रहे हैं और सारे प्रचार के बावजूद सारिया कोशिशों के बावजूद भी जोड़ा सा समाज है वह बखराओ वाल जो जा रहा तेजी वो फिर तो यूनिटी वाल आ रहा तुम्हें थां थां पर मैनीफेस्टेशन देख लो चाहे लोग इकट्ठे होकर अपना अखा की गल कर रहे हैं चाहे लोग इकट्ठे होकर ह्यूमन राइट्स की गल कर रहे हैं चाहे किसान इकट्ठे होकर अंदोलन कर रहे हैं भी असी ऐदा किमें मार दोगे जमीना किमें खोलोगे तो कितना कितने सारे का सारा वर्तारा कितना कितने उन्होंने पुट्ठा जोड़ा शुरू हो गया बस उन्होंने एक पछाणन की लड़ है कि जो ये वधिया वर्तारा शुरू होया कि समाजिक एकता से समाजी जोड़ा आपसी भाईचारा मजबूत करके अपना समस्यावान हल कर सकते हैं उन्होंने तोड़ के नहीं दूरी समाजिक दूरी नहीं समाजिक नेड़ता समस्यावान हल हो डॉक्टर साहब मतलब आप तो दसदा भी किस तरीके जोड़ा समाज टुट रहा है हूँ समाज टुट रहा ये कोई शक नहीं है तुम भी दसता तुम भी गल् समझाती हूँ आप मेन गल तो आईए भी जी चीज़ अपनी डैमेज हो चुकी डैमेज कंट्रोल किस तरह किया जाए गुस्सा आ गया बंदे गुस्से जो मौके पर गुस्सा आ गया किसी का आप नुकसान ना कर दिए उस वेले की करना चाहिए जो समाज टुट रहा है तो की करना चाहिए जिहड़ा कि आप टुटते समाज को बचा सकी क्योंकि अपन भी कुछ जिम्मेवारियां ने आप मैं मीडिया चाँ तुसी डॉक्टरी पेशे के अपन भी कुछ जिम्मेवारियां ने भी टुटते समाज को आप किस तरह बचाइए किस ब किसी बंदे गुस्सा आ गया वो किसी का नुकसान ना कर दे आप यहाँ करिए जिहड़ा कि इन चीज़ों तो आप बचाया जा सके। देखो जी कुछ तो टिप्स ने फौरी कंट्रोल करने वाली और टिप्स बहुत जरूरी ने बंदे जाननी जो गुस्सा आ गया तो रोज़ मरीज आते हैं अगर कंप्लेट करे जब अपने आप बारे कहे मैं गुस्सा बहुत आता जो दूजे बारे किसी फैमिली मैंबर बारे कहे भी गुस्सा बहुत करती है करता या करती है तो मैं इसके कह देना हूँ भी ये गुस्सा कर दी है तो अगर तुम जो तुम ना करो फिर हाँ क्या फिर तो ये कि गुस्सा कर लूँ एक दूसरा दोनों पसंद है ना ये दोनों बंदे इस गल तो हम जानने कि गुस्सा करना जोड़ा है वह किन्ना नुकसान कर सकता तो गुस्सा हो अगे नुकसान करेगा एक बंदा गुस्सा कर रहा दूजा ना करे हूँ सड़क पर देखो लड़ाइया किमें होंदिया ने एक बंद ने मान लो गाल कड़ती दूजा बंदा चार गाल कड़ता तो ये चेतन हो जाए समाज कि भी गुस्सा जोड़ा हों अर्जी हों ठंडा पानी पी लो साइकोलॉजी कहती है कि जोड़ा बंदा 2 मिनट भी रुक गया अपने गुस्से का शिकार ना हो तीजे मिनट च नुकसान नहीं होएगा वह सिर्फ 2 मिनट का मसला होंगे सिर्फ 2 मिनट का इसमें 2 मिनट की करे वो 2 मिनट ठंडा पानी पी लो लंबे लंबे सह ले लो उदी गल जो जो बंदा तुम्हें कुछ कह रहा उद उस भाषा च ना जवाब दो प्यार समझा दो भी भाई साहब तुम गाला कढ़ रहे हो मैं पर मैं थोड़ा कुछ बिगाड़िया नहीं है इदा का एडा कुछ नहीं बिगाड़िया मैं थोड़ा भी जब तुम मैं गाला कढ़ी जा रहे हो गलत कर रहे हो प्यार तो उस उस भाषा क्या इट का जवाब पत्थर देने की बजाय उन्होंने वो किसी दलील च किसी प्यार च किसी सॉरी कह के किसी कुछ ना कुछ इदा का सूदिंग लफज कह के जिद कि बंद का गुस्सा कहता भी 2 मिनट ली वो बाद बंदा आप ही माफ़ी मंग लेगा रोज़ देखते हो कि रोज़ सड़कों पर लड़ाई आदि ने तो इस करके कि एक बंद ने गाल क्ढी दूजे ने 4 गाल क्ढ़िया एक बंद ने कोई थप्पड़ मारता दूजा 4 मारन की कोशिश करेगा वो लड़ी जाएंगे तो वो कि ना कि जी जी जो बंद जे जे दोनों चो एक बंदा सियाणा हो एक बंदा सूझवान हो फिर ना तो कोई गुस्सा नुकसान कर सकता तो हौली हौली फिर वो समस्या समाज के अंदर जो बड़े पद्धर से आ जाती है कि फिर वो गुस्सा अपने आप ही घटना शुरू हो जाता बाकी यह भी गुस्सा जो तुम आता भी है तुम्हें तो फिर आ जी चेतना की गल कर रहे हैं इस चेतना जो बंदा रोज़ इन मॉडर्न शब्दावली जिन्होंने मैडिटेशन कहने मैडिटेशन के
बहुत कमाल का वर्तारा है, बड़ा ही सिंपल जहा वर्तारा है। तो जो तुम मैडिटेशन कर ला जाओ तो थोड़ा गुस्सा बद तो बद 21 दिन शांत हो जाएगा। 21 दिन चाहिए सिर्फ उन्होंने। 21 दिन तुम की करो कि सवेरे अमृत वेले तो सब तो वधिया टाइम है, जो हो सके तो सौन वेले, सौन वेले पर आम तौर पर थके हुए आप कोई बहुत ही वधिया मैडिटेशन नहीं हो सकती। सवेरे उठ के कमाल की मैडिटेशन होंगी है, समाल सवेर का जो सवेर का अमृत वेले का साडा जो गुरु साहबान ने सू दिता है गुर बड़ा कमाल दा, कि उस वेले कुदरत थानू थोड़े कुदरत नाल तुसी जुड़े हुंदे हो, क्योंकि थोड़ा जिहड़ा जिहड़ा पिछले दिन का कचरा इकट्ठा होया हुंदा थॉट्स की शक्ल च जां कैमिकल की शक्ल च वह साफ हो चुक्या हुंदा, ते सवेरे तुसी फ्रैश उठदे हो ते तुसी कुदरत नाल कम्यूनिकेट करदे हो। कोई सोच के सवेरे उठ के देखियो भी तुसी किद्दां दे ख्याल आ रहे हुंदे तुहानू, सवेरे हमेशा तुहानू कुदरत दा ख्याल आएगा, पंछियां वल देखोगे, हवा नू इंजॉय करोगे जे हवा चलदी चल रही, जां परमात्मा दा नां लओगे, जां कोई अच्छी अपने फैमिली मैंबर नाल कोई पॉजिटिव बारे सोच रहे होंगे, तो तुहानू हमेशा तुहाडे मन च वह जिहड़ियां नेचर दीआं कुदरती भावनावां ने पॉजिटिव ने लव ते आधारित ने वह होणगीआं। वह रात नू कोई थके हुए तुसीं तां वह ना वधिया नहीं हुंदा, तो सवेरे उठ के मैडिटेशन करो। मैडिटेशन दा बड़ा सिंपल जिहा टैक्नीक है कि अपने साह नू देखो, इक्को ही काम है जिहड़ा साडे करन वाला है, उहदे विचाले की होगा कि तुहाडा जिहड़ा ख्याल है थॉट्स ते जाएगा, हाँ थोड़ा अपने आप थोड़ा जरा जी चेतना है थोड़ी वो थोड़े विचारों पर जाएगी। एक सीमा तक जान दो उन्हों, लेकिन अगर बहुत लंबी होंगी है तुम उन्होंने तुम घड़ीसन की कोशिश कर दी फिर वापस सह ते आ जाओ, फिर टुट जाएगी लड़ी। कई बार ना विचार इन्ना स्ट्रोंग होंगे कि तुम खिचदा 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 खिची तुरै जाता कितने कितने आ जाए फिर आ हो जाए फिर आ हो जाए जे आ हो गया जे उत्थे जिथे तुम याद आ जाए मैं तो सह लै रहा फिर सह ते वापस आ जाओ। अल्टीमेटली क्या होएगा कि तुम जी कुदरत है क्योंकि तुम उस वे उस कुदरती भी थोड़ा फीलिंग भी हो रही होंगी कि तुम किसी कुदरत का किसी परमात्मा का हिस्सा हो सवेरे सवेरे, तो वनू याद भी करो भी तो उस कुदरत उस परमात्मा का इंतजार करो कि वह थानू आके उस समस्या कुछ कोई बहुते थॉट जो आ रहे होंगे तुम उस समस्या के आ रहे होंगे जी समस्या तुम हल नहीं कर पा रहे, कोई पॉजिटिव थॉट पता तुम तंग नहीं करता, पॉजिटिव थॉट फ्लैश आएगी भी आह काम मैं करना वो जल चली जाएगी नाल दी नाल, जां मेरा अच्छा दोस्त है आ मेरा आ मैनू बहुत प्यार करता है मैं उन्होंने बहुत प्यार करता, ये थॉट्स ये भी आएंगे लेकिन वो फ्लैश जी आएंगे वो तुम टिकनगियां नहीं घूमण घेरी नहीं बनगियां, जिहड़े थॉट्स घूमण घेरी बनते हैं वो आम तौर पर वो थॉट्स होंगे जिहड़े कि तुहानू तंग कर रहे होंगे परेशान कर रहे होंगे नैगेटिविटी जनरेट कर रहे होंगे, असीं साडी इंटरप्रेशन नैगेटिविटी बारे होंगी है, तो वो थॉट्स आएंगे जो थॉट्स आएंगे तो गुस्सा गुस्से वाले भी थॉट्स आएंगे और ज़्यादा गुस्से वाले ही आएंगे। उन्हां थॉट्स नू अवॉयड ना करो, आप अक्सर की करते हैं असी जो सूँ कोई बैड थॉट आने लगता है तो असं एकदम उठ खड़ते हैं भी तो एवं गंदे थॉट्स आ रहे हैं चलो किसी होर पास ध्यान ला लिया वो जो कोई रेडियो ला लिया जो कोई गुरबाणी ला ली या कुछ भी ला लिया ना वो थॉट्स अखा चखा पा के देखना कि की थॉट्स आ रहे हैं की कहना चाह रहे हैं मैंने कुदरत की कहना चाह रही है। जो तुम थॉट्स अखा चखा पा के देखोगे तो वह थॉट्स जोड़े ने दो च वंडे जाएंगे हौली हौली, पहले दिन नहीं होगा एक तो वो थॉट्स होंगे जो हल हो सकते हैं। सपोज तुम किसी लड़के हटे हो घर थोड़ी मियाँ बीवी की वापस प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें थॉट आओगे भी कि बेवकूफ आदमी तू भी बीवी ने मना की औखा हूँ बच्चे प्यार ना गल कर दे तो बन जूगी ठीक है ना, जो माँ माँ आ गए या भैन ना भरा आ गए किसी आ गए तो तुम्हें एक मैसेज आ जाएगा कि तू बड़ा इडियट है तू मक्खी मारन लिए बंदूक चक्की फिरदा एडे गुस्से की भी गल तो इन्नी की है भी उन्होंने प्यार ना जफ्फी पा के मिल लै प्यार ना बुला लै सॉरी कह दे जो सॉरी कहने वाली गल कोई गलती हो गई तो इन्नी वो तो मैसेज आ जाएगा कुदरत थोड़े कान फुसफुस कर जाएगी भी जा पुत्र कोई खास गल नहीं है एवं मामूली जी गल है। दूजा आएगा कि जो मान लो तुम कोई यहोजा थॉट जो हल नहीं होने वाला तो कुदरत थानू कह जाएगी भी तू बेवकूफ मगर क्यों लगा इस गल से तू की लेना गल तो मान लो तुम थॉट तंग कर भी गुआढ़ी ने कोई कार वीड्डी सारी लै ली है तुम्हें लगता भी थोड़ी तो हेठी होगी वो तुम्हें मैसेज दे दी कुदरत भी तू बड़ा बेवकूफ है तू अपनी थान से वो अपनी थान से वो अपनी फार से फिर तू अपना फिर तू की लैना उत्तों भी एवं इस गल से तो कुदरत दो तरह के थॉट्स होंगे तो दोनों तरह से कुदरत थोड़ी हैल्प करेगी परमात्मा थोड़ी हैल्प करेगा थोड़ा उत्तर तो वो जो ही थॉट्स जोड़े ने क्योंकि वह कितने ना कि गुस्से का कारण आ ही हूँ कोई ना कोई थॉट जो नैगेटिव होंगे जो थोड़ा लगता कि थोड़ी हेठी होगी थोड़ी बेइज्जती होगी थोड़ी इज्जत घट गई वो यहोजा कोई ना कोई आ रहा हूँ
तो वह कुदरत तुम्हें दोनों तरीके हेल्प करेगी। जब हल होने वाले होंगे तो हल दे जाएगी, नहीं हल होने तो तुम्हें मैसेज दे देगी, बगअप कर जाएगी, वो बेटा तेरे काम तेरे काम तेरे उलझन वाला काम नहीं है, तेरे होर थोड़े तो कम ने, इन्ने वधिया वधिया काम पे तू अपनी जिंदगी ज्यों रहा ज्यों, जे तू वो तेरे गल च अगे लंघ गया तेरे को कार बैदल लड़ी तो तेरे को चार गल तू अगे होएगा, एड्डी की खास गल है, तो वो इदा का कुछ ना कुछ। तो इस करके जी मैडिटेशन का प्रोसैस है इनू आप प्रैक्टिस करना चाहिए डेली, चाहे तो जी अद्धा घंटा आइडियल है, अद्धा घंटा हो कमाल रिजल्ट आते हैं, हाफ एन आवर बहुत है, लेकिन जो काम टाइम घट भी होट भी लाओगे तो भी आवगे। सो इस करके जो वर्तारा वो कितना कितने असं जो दूजी गल एक गल इस थॉट्स के मामले मैं कहता कि असं बहुत बड़ी क्लासीफाई करते हैं थॉट्स में, पॉजिटिव थॉट्स ने नैगेटिव थॉट्स ने, यह क्लासीफाई साड़ी है, थॉट्स की कोई क्लासीफिकेशन नहीं, कुदरत कुछ नहीं है, थॉट्स तो थॉट्स ने, असं उन्होंने क्लासीफाई कराएंगे पॉजिटिव तो नैगेटिव ने, नैगेटिव के उपर मैडिटेशन करा तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। सो नैगेटिव पॉजिटिव कोई एडा फिक्स नहीं होंगे, सो जो तुम नैगेटिव मैडिटेशन नैगेटिव थॉट्स से मैडिटेशन करोगे तो उन्होंने ही मैडिटेशन करनी जरूरी भी होंगी है, तो आते भी उही ने तंग भी उही करते हैं, तो वो कोई अपना एक एड्डी रिजिड क्लासीफिकेशन नहीं होंगी भी आ फलाना फलाना थॉट नैगेटिव है फलाना फलाना पॉजिटिव है, इदा का कोई कंपार्टमेंट बनाने की लड़ नैगेटिव थॉट से कम करेंगे तो नैगेटिव थॉट कुदरत पॉजिटिव थॉट्स कन्वर्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा न्यूज़ एशिया पंजाबी नाल गलबात करन लई बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस डॉक्टर अमर सिंह आजाद जिन्होंने सानू यह दस्या कि गुस्सा किस तरीके समाजिक रिश्ते तोड़ रहा, गुस्से जो गुस्सा इंसान को आता है तो शरीर के अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरीके दे नाल वो रिएक्ट करता तो किस तरीके दे नाल गुस्से दे नाल असी ना सिर्फ अपना आप खराब कर बैठते हैं बल्कि अपना आला दुआला सारा सिस्टम जिहड़ा वो डिस्टर्ब कर दें, तो गुस्सा जो आता तो उसनों कि हालातों के आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि यह जे करना चाहिए जो गुस्सा आए तो मौके के उत्ते ना सिर्फ असी अपना नुकसान कर लिए बल्कि किसी होर का नुकसान होने भी किसी होर का भी नुकसान कर दीए, इस तो किमें बचा जाए, किस तरीके दे नाल लम्मा समा जिहड़ा कुछ अजिहा करिए जिहदे नाल गुस्सा आने वाले समय के आवे ही ना, तो समाजिक रिश्ते की ने, किस तरीके समाज के रिश्ते टुट रहे हैं, कौन ये जिम्मेवार है, तो किस तरीके दे नाल समाज के रिश्तिया रिश्तों को असी आपस में जोड़ के रख सकते हैं ताकि यह समाज एक सुखद अते सुनहरा समाज बन सके। सो तुहानू यह गलबात किवें लगी अपनी राय सानू साडे कमेंट बॉक्स जरूर देना, जेकर वीडियो चंगी लगी है तो इस नू अगे लाइक तो शेयर जरूर कर दिओ ताकि इसका फायदा होर भी उठा सकन, साढ़े चैनल में लाइक से सबसक्राइब करना ना भूल्यो, अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नवे मुद्दे एक नवे मेहमान के नाल, उदों तक मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।